हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी में, निफ्टी फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, हमने कल क्या बात करी थी, यहाँ पे निफ्टी अगर ये 23,963 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे, तब तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इसने लो क्या बनाया, 23,960 का इसने लो बनाया, 23,960 का यहाँ पे, ठीक है। तो लो तो इसने जैसे कि क्या सुना है यहाँ पे सपोर्ट लेकिन अभी ना बिल्कुल ये लो बेसिस पर क्लोजिंग दी है इसने। आज क्या हुआ ना, मार्केट एक गैप अप हुआ, ओपन हुआ गैप अप, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और उसके बाद वापस से डाउनफॉल मार्केट में कहीं ना कहीं वापस से शुरू हो चुका है। और अभी ये जो अगर इसने लो ब्रेक कर दिया, एक तो कल का लो 23,893 के आसपास का, और एक आज का लो, अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो कल के लो के फिर आसपास आराम से इजीली जाने की कोशिश करेगा ये यहाँ पे। और फिर मेन दिक्कत ये जाने की कोशिश करेगा, सबसे अलग बात है, मेन ये है कि चार्ट फिर अभी यहाँ पे निफ्टी अभी और ज़्यादा नेगेटिव दिखने लग जाएगा, जब तक कि फिर अगर सपोज करो कल 23,963 नीचे चलता है यहाँ पे, मोमेंटम देता है, जब तक उसके नीचे सस्टेन करेगा तब तक वहाँ पे दिक्कत रहेगी। बाय चांस अगर ये नीचे जाके वापस रिवर्सल देके उसके ऊपर आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग देने लग जाता है वहाँ पे, तो उसको फिर पॉजिटिव वे में कंसिडर कर लेना। क्योंकि अभी देखो क्या है ना, जो भी इशू है सारा वो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, इंडियन मार्केट में कोई इशू नहीं था यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली कोई इशू नहीं था, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत पड़ता चीज़ होता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे कोई इशू नहीं है ऐसे में, ठीक है। कल जितना माल बिका उतना वापस बाय भी हो गया था कहीं ना कहीं, वो सब चीज़ें हो गई थी, ठीक है, FIDI का सब चीज़ें। तो यहाँ लेकिन क्या है ना, फिर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है साथ में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर साथ में इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे फिर सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर 23,963 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है, बंद कर देता है, तो फिर जब तक उसके लेवल के नीचे है और ज़्यादा नेगेटिव रहेगा वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो लेवल मार्क कर लेना 23,963 का लेवल। और यहाँ पे देखो जैसे अभी क्या था, ये लेवल आज हुआ यहाँ पे गैप अप हुआ, ठीक ठाक गैप अप हुआ यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे हल्का फुल्का जाने की कोशिश करी, लेकिन प्रीवियस डे का जो हाई था, अब मैं लेवल निकालता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लेवल देखो, प्रीवियस डे का हाई था, उस लेवल को उसने ब्रेक ही नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे इतने उससे गैप अप निकला, गैप अप करके आता तो क्या होता, थोड़ी देर सस्टेन करता, फिर सस्टेन करने के बाद अगर वो ब्रेक करता ऊपर की तरफ, तब तो मोमेंटम बन जाता ऊपर जाने का। लेकिन अब आप सोचो यहाँ पे कि ऑलरेडी गैप अप हुआ है इतना, ठीक है, ये ओपन हुआ है इसका यहाँ पे आज 24,194, ठीक है, 24,194 के आसपास इतना गैप अप हुआ, फिर फ्लो में चलते जाएगा जैसे किसी दूसरे से चलता जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है ना, फिर अगर यहाँ पे जब ये गैप अप के बाद सस्टेन नहीं करा, और पहला रिजेक्शन का लेवल कौन सा था यहाँ पे, फिर प्रीवियस डे का जो हाई और प्रीवियस डे का लो, ये हमेशा रिजेक्शन और सपोर्ट की तरह कंसिडर करा करो। प्रीवियस डे का जो रिजेक्शन लेवल था वो बिल्कुल इसी जगह के आसपास आया, और वहाँ से ही मार्केट में वापस से सेलिंग एक्टिवेट हो गई, जो वहाँ पे जो शॉर्ट करने के लिए सेलर्स एक्टिवेट हो गए वहाँ पे, क्योंकि प्राइस एक्शन इस हिसाब से काम करता है, प्रीवियस डे का लोअर्स हाई, हमेशा ये रिजेक्शन और सपोर्ट के काम करते हैं ऐसे में यहाँ पे। अगर ये रेंज बनाता है, जैसे इसने रेंज बनाई और उसके बाद इसको ब्रेक करके निकल जाता, तो फिर अच्छा मोमेंटम अपसाइड में और देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट करा हुआ होगा, कल करा हुआ होगा, आज करा हुआ, वो सब यहाँ से निकलते और अच्छा एक अपसाइड में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। पर हुआ जस्ट रिवर्स, और यहाँ से उसका गिरा तो गिरा फिर तो अच्छा खासा फ्लो में गिरता गया, यहाँ आके थोड़ा उसने रुकने की कोशिश करी, ऊपर गया, फिर जैसे जैसे ये लेवल ब्रेक करा, फिर नया लेवल आपका डाउन साइड में बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर क्या होगा ना, ऊपर जब भी जाएगा इसे के आसपास रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इमीडिएट बेसिस पे हम सपोर्ट बनाए तो सपोर्ट को इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, तो वो वाली चीज़ें जैसे ये आएगा 23,963 से लेकर 23,961 से लेकर यहाँ पे 23,915, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट पर ये लेवल दिख रहा है, और इसके नीचे ये अगर टिक गया यहाँ पे 23,963 के नीचे टिकने लग जाएगा, और ये लेवल ब्रेक कर दिया इसने, तब फिर यहाँ पे दिक्कत कर देगा इजीली, फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आज मेन जो सपोर्ट लेवल है इसी के आसपास बंद हुआ है, इसके ऊपर सस्टेन करा है इसके, अब देखते हैं अगर ये कल का रोशन लेवल इसके नीचे जितनी देर टिकेगा उतना ही नेगेटिव होने लग जाएगा यहाँ पे। और अब सपोज करो कल मान लो ये नीचे गया, मैं मार्क करता हूँ अभी, सपोज करो ये इसके नीचे गया भी सही, ठीक है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाके फिर अगर रेंज बना के वापस ऊपर आता है, इस तरीके से लेवल ब्रेक करता है, तो फिर वापस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लेवल मार्क कर रहा है, इसके लेवल के नीचे नेगेटिव, इसके लेवल के ऊपर पॉजिटिव, सिंपल सा कल ये ध्यान रखना है। और इसके नीचे जितना रहेगा, फिर नीचे के लेवल्स यहाँ रहेंगे 23,915 ब्रेक होता तो 23,824, ये सब लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आगे इसमें यहाँ पे। और ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन आएगा 24,119 का लेवल, और ये जो पहले के जो सेम लेवल चल रहे हैं, अभी मल्टीपल रिजेक्शन बन चुके हैं यहाँ पे, जैसे आज एक स्विंग यहाँ पे भी हुआ था इस जगह के आसपास यहाँ पे, ये लेवल भी एक स्विंग का लेवल बन चुका है जहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे स्विंग हुआ, तो मतलब जहाँ जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी वहाँ वहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला है यहाँ पे निफ्टी में से। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में देखते हैं अभी देखो एक निफ्टी में क्या ना, साथ में IT सेक्टर पूरी तरह से भी मतलब नेगेटिव टाइप ही चल रहा है अभी, उसमें वहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो साथ में वो चीज़ें देखने को मिल रही है इंपैक्ट। अब जब तक कोई सेक्टर कोई लीड नहीं करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्टर लीड नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे कोई तेज़ी एकदम आएगी भी किससे। अब या तो बैंकिंग सेक्टर लीड करे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुश करेगा उसको, और बैंक निफ्टी चलने लगेगा तो फिर क्या होता है, उसके पीछे पीछे बाकी सेक्टर में भी बाइंग आने लग जाएगी इसमें। अब इसमें क्या हुआ ना, बैंक निफ्टी में
यहाँ बंद हुआ था, तो ये लेवल्स की तो वैल्यू खत्म हो गई इस टाइम पे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो नेक्स्ट में रिजेक्शन लेवल था 50, 60, 741, प्रीवियस डे का जो हाई था, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे उस जगह से ही इसने रिजेक्शन लेना शुरू करा यहाँ पे, उसके बाद तो फ्लो में अच्छा से गिरता गया। और ये जो लेवल रिजेक्शन के थे, मतलब कल यहाँ पे लेवल सपोर्ट के थे, इसी के आसपास आया, इसने सपोर्ट दिया, फिर इतना गिरने के बाद एक पता पड़ जाता है ऑलरेडी, कहीं जाके तो बेस बनाएगा, वो बेस बनने तो उसको वेट करो उसके बेस बनने का, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू बैक टू बैक क्रिएट करने बना रहा था मार्केट, उसका थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ वापस उसने रिजेक्शन कंसिडर हो गया। यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल था 50 या 200 के आसपास, वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया। देखो आप यहाँ पे कितनी बार कैंडल्स ने अटेम्प्ट करा मारा करा यहाँ पे निकलने के लिए, पर क्या वो हर बार वहाँ से रिजेक्शन लेके कैंडल्स वापस से नीचे डाउन साइड में आई, और ये जो लेवल था 49,709 का, तो वहाँ आके सस्टेन करा भी रुका ये। पर आप क्या यहाँ पे, इसने मेन लेवल क्या था 49,990 और 49,837, दोनों लेवल ब्रेक कर दिए। अब दोनों लेवल ब्रेक कर दिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जब तक उसके नीचे रहेगा 49,837 का लेवल, ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट मार्क करके रखना, उसके नीचे जब तक रहेगा ये तब तक दिक्कत में रहेगा ये समय, ठीक है। और बाकी तो इंट्राडे के हिसाब से लेवल सही से 49,837 का, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे जब तक उसके नीचे है तब तक वहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे देखें एक बार इसके नीचे कौन सा सपोर्ट लेवल आ रहा है 49,501 के नीचे, 521 के नीचे, तो पुराना जगह जहाँ हम प्रीवियस उसमें यहाँ पे, तो चलो डेली पे चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या लेवल आ रहा है इसके। अगर नीचे यहाँ पे देखें तो एक तो ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पे स्विंग एक्टिविटी हुआ था 49,053 का, पर उसके मिड में यहाँ पे अगर देखें हम यहाँ पे, तो इस जगह के आसपास एक ये सपोर्ट लेवल दिखता है 49,285, 49,285 रखते हैं एक मार्क करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट यहाँ पे 49,040 का, ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे कल बैंक निफ्टी के लिए, इन लेवल्स को ध्यान रखना। और अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में, सीएनएक्स फाइनेंस, ठीक है। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो यहाँ पे इसमें क्या था ना, ये लेवल यहाँ पे था ही सही जगह का कि रिजेक्शन आती है यहाँ, सपोर्ट अगर लेता तो ठीक है, वरना तो ये निकल जाएगा। अब इसके बाद तो फिर निकला यहाँ पे इस जगह को, इसको हटाते हैं अभी। ऊपर गैप अप हुआ तो गैप अप के यहाँ पे रिजेक्शन लेवल ये सब ठीक से, यहाँ पे प्रीवियस डे को मतलब सबने क्या करा ना, प्रीवियस डे का जो हाई था जैसे उसके आसपास गया सब में सेलिंग आई, सिंपल सी बात देखे तो। यहाँ ये सपोर्ट लेवल था इस जगह पर आके अभी रुका हुआ है, अब जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 22,413, 22,000, उसके बाद 22,327 का, तो ये लेवल मार्क कर देते हैं यहाँ पे। अगर अभी लेवल गिरा यहाँ से तो 22,413 का लेवल है यहाँ पे, सबसे पहले 405 के आसपास हम लगाते हैं इसको, और इसको आगे शिफ्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं अभी। तो 22,413 और 22,327 का ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे इसमें अब आगे कल के लिए इसमें सपोर्ट के। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पे या दिक्कत आती है इनमें, अगर निकलता है डाउन साइड में, तो फिर ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट के लिए देखे जाएंगे ऐसे में, ठीक है। इस रेंज पे अगर ये यहाँ पे करता है, मान लो इस तरीके से एक रेंज बनाता है यहाँ पे धीरे धीरे करते करते, और फिर अपसाइड मोमेंटम देता है, तो फिर अच्छा एक लेवल यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फिर क्या होगा ना, इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मेन रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे 22,650 का, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है, और फिर उसके बाद जो मेन रिजेक्शन आएगा वो इसी लेवल के आसपास आएगा, तो ये लेवल को ध्यान रखना है यहाँ पे कल के लिए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।